कौन मालिक नहीं मानता है? अपने बेटे भी खड़ा है अब्दुल्ला, इमाम हसन हुसैन भी खड़े, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा दोनों की तरफ। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, मैं अपने बेटे का वजीफा 2000 दिरहम मुकर्रर करता हूँ, हसन और हुसैन का 5000 मुकर्रर करता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बनता है। सुभान अल्लाह। बहुत कंजूसी होगी साहब की रात की शान में हम आए। आज बहुत बड़ा फितना फैल गया के लोग सहाबा को हम बैत का दुश्मन करा देते हैं। ये बयान दलील है कि सहाबा नबी की आंख से प्यार करते थे और नबी की आंख बैत नबी के सहाबा से प्यार करते थे। और जब तस्लीम करना चाह तो हसनैन कलीमैन से इब्तिदा की। सुभान अल्लाह। बेटा बोल पर मशीयत खुदाबंदी से, हुक्म खुदाबंदी से, कि अगर ना बोलता तो कैसे पता चलता कि हजरत उमर के नजदीक अहमद का मकाम ज्यादा है, बेटे का कम है? रब ने चाहा कि आज ये बेटा बोले और उमर की मोहब्बत सामने आए, उसकी मशीयत इरादे के बगैर एक जरा पता भी हरकत नहीं कर सकता। तो बेटा बोल पड़ा, अब्बा जान पहले हक मेरा है, मुझे अता फरमाइए। मैं आपका बेटा हूं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खलीफे राशिद आपका मैं बेटा, और फिर नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद भी ये तो बच्चे थे, अभी तलवार उठा भी नहीं सकते थे। मैं जंगों में शहीद होता रहा, जिहाद करता रहा, अरे अपनी जान कुर्बान करने के लिए अपने आप को पेश करता रहा, मेरा हक जाता है। हजरत उमर का चेहरा जलाल में आपने फरमाया, बेटे ने ये कहा और अमीरुल मोमिनीन ने हमारे हक में ये जुमले बोले। सुभान अल्लाह। मौला अली खुश हो, फरमाया बेटा ये अतिया यहाँ रखो, फौरन वापस। सुभान अल्लाह। मेरा जाके सलाम कहो और मेरी तरफ से जाके एक हदीस सुनाओ। सुभान अल्लाह। कि मैंने उन्हें बताओ जाके हमारे बारे तलील मुर्दा फरमाते हैं कि मैंने खुद अपने नबी को ये फरमाते हुए सुना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि हजरत उमर जन्नत के चरागों में से चराग है नूर का। ये सुनाओ जाके। मौला अली चाहते थे कि इतना मेरे बच्चों को खुश किया, मैं भी ये हदीस भेजूं ताकि उमर भी खुश हो, उमर भी खुश हो। ये एक दूसरे को खुश करना, ये अदावत और दुश्मनी की अलामत है ना, मोहब्बत और प्यार की। बोलिए ना। जब हसनैन करीम आए, हजरत उमर को यह हदीस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेटा एक एहसान मुझ पर और कर। फरमाइए अमीरुल मोमिनीन, अपने अब्बा जान से ये हदीस लिखवा कर। दोनों शहजादे गए, मौला अली मुर्तजा ने हदीस लिख कर दी। जब आई तो आप मिंबर से नीचे
ये तहरीक